नमस्कार, 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 54 रेलवे स्टेशन, जो देश के 54 रेलवे स्टेशन हैं, उनके 41,000 करोड़ रुपए की लागत से उनको मॉडर्नाइज करने का उद्घाटन किया वर्चुअल मेरे पर, जिसमें से जम्मू कश्मीर के 4 रेलवे स्टेशन भी हैं, कटरा, उधमपुर, जम्मू और बड़गांव। कटरा माता वैष्णो देवी का जो रेलवे स्टेशन है उसमें 40 करोड़ की लागत से मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। यात्रियों को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो सुविधाएं उन्हें एयरपोर्ट में मिलती हैं। वहां पे फूड जोन होगा, बच्चों के खेलने के लिए होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, हर वो सुविधाएं होगी जिनकी जरूरत होती है और लोगों के लिए यात्रा आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस पे एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। आज रेलवे ने लोकार्पण और शिलान्यास का नया रिकॉर्ड बनाया है। पहले ही पीएम मोदी 504 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुके हैं और आज इसी कड़ी में 554 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन के औपचारिक पुनर्विकास को चिन्हित करते हुए एक पट्टिका का अनावरण किया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कटरा स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल करना इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री के विशेष फोकस को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह स्टेशन वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ के लिए चुने गए स्टेशनों में से भी एक था। वर्तमान में दिल्ली से कटरा के बीच 2 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने कहा कि यह देश का पहला स्टेशन होने का गौरव रखता है जहां सौर ऊर्जा सुविधा का अनावरण किया गया है। कटरा स्टेशन के साथ ही उधमपुर, जम्मू और बड़गाम रेलवे स्टेशन का भी अमृत स्टेशनों के रूप में पुनर्विकास किया जाएगा। 4 में से 3 जम्मू क्षेत्र में है। यह प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि कटरा स्टेशन एक इंटरमॉडल स्टेशन के रूप में उभरेगा जो रेल, सड़क और हवाई यात्रा को एक छत के नीचे संभव करेगा। सबसे पहले तो धन्यवाद करना है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। सदा उन्होंने जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता में रखा है और कटरा वैष्णो देवी की इस धर्म नगरी को भी हमेशा प्राथमिकता प्राप्त हुई है। कटरा का वो पहला रेल स्टेशन था जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने सबसे पहली बार किया था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहला स्टेशन जिसका लोकार्पण उनके हाथों से हुआ। उसके उपरांत कटरा उत्तर भारत का वो पहला स्टेशन था जहां वंदे भारत प्रारंभ हुई। उससे पहले चंद एक स्टेशन वाराणसी इत्यादि तक ये वंदे भारत सीमित थी। इसी प्रकार कटरा वो पहला रेल स्टेशन उत्तर भारत का जहाँ दूसरी वंदे भारत भी प्रारंभ हुई। कटरा वो पहला रेल स्टेशन शायद सारे देश में जिसमें आप पहली बार सोलर पावर बैग्ड ऊर्जा का की व्यवस्था हुई। उसके बाद कुछ और स्टेशन भी सोलर पर कन्वर्ट हुए और कटरा शायद पहला ऐसा धर्म स्थल, आस्था स्थल का रेल स्टेशन जिसे अमृत स्टेशंस की सूची में आज सम्मिलित किया गया है। और आने वाले समय में जहाँ एक और उधमपुर एक बड़ा महत्वपूर्ण जंक्शन बनकर के उभरेगा, कटरा रेल स्टेशन अपने में एक आकर्षण का स्थल होगा उन सभी यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए जो कश्मीर घाटी के शेष भारत से जुड़ने के बाद इसी रास्ते से होकर के अपनी यात्रा करेंगे। और यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊँचा रेल का पुल भी इसी स्टेशन के को काफ़ी नज़दीक है, वो भी एक अपने में आकर्षण रहेगा। जैसे मोदी जी ने कहा कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, मैं यहाँ प्रशासन से यही चर्चा कर रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम रेल के इस दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के रेप्लिकाज बनाए अलग अलग पदार्थों से, जिस तरह से आगरा में ताजमहल बिकता है और आके पर्यटक खरीदते जाते हैं, तो उससे हमारा प्रचार प्रसार भी होगा और इस आस्था स्थल की महिमा दूर दूर तक पहुंचेगी।
मुझे लग रहा है कि जिस तेज गति से यहाँ विकास हो रहा है, बहुत जल्द एक्सप्रेस कॉरिडोर भी यहाँ पहुँचने वाला है दिल्ली से कटरा तक, वो भी उत्तर भारत का सबसे पहला एक्सप्रेस कॉरिडोर था और शायद देश में सबसे लंबा। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक से अधिक विकल्प हो जाएंगे यातायात के। सड़क के माध्यम से भी जा सकते हैं, उसमें भी 4-5-6 घंटे में वो दिल्ली पहुँच जाएंगे। वो अगर रेल के माध्यम से जाते हैं तो 7-8 घंटे में वो वंदे भारत के माध्यम से पहुँच जाते हैं। और आने वाले समय में दोनों ही तरफ, अगर वो कश्मीर की तरफ जाएंगे तो भी 2-3 घंटे में, सड़क में भी और रेल में भी। और ये सारे विकल्प ना केवल इस स्थान को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देंगे, बल्कि भारी संख्या में आने वाले वैष्णो देवी के यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होने वाला है, जो हमने गत वर्ष देख भी लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूलवानी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में सीट बंटवारे पर इंडिया ब्लॉक के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ बातचीत चल रही है। लोग जल्द ही अच्छी खबर सुनेंगे, क्योंकि एनसी और पीडीपी के साथ सीट बंटवारे समझौते पर बातचीत चल रही है और हम संसदीय चुनाव एक साथ लड़ेंगे। विकार रसूलवानी ने कहा कि लोगों से मेरी अपील है कि वे कांग्रेस और हमारे गठबंधन सहयोगियों को मजबूत करें, ताकि उनके सभी मुद्दे हल हो जाएं और जम्मू कश्मीर को मौजूदा संकट से बाहर निकाला जा सके। भाजपा पर जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केवल कांग्रेस ही लोगों की समस्याएं कम कर सकती है, राज्य का दर्जा बहाल कर सकती है, भूमि और नौकरियों पर उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है, विधानसभा, नगर निगम और स्थानीय निकाय चुनाव करा सकती है और विकास और पर्यटन को आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा ने एकजुट विपक्ष को तोड़ने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों को डराने की पूरी कोशिश की, लेकिन इंडिया गठबंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है और हमें यकीन है कि कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगी केंद्र में अगली सरकार बनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के अकेले लड़ने के बयान पर वानी ने कहा कि हम भी अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे, जहां वे अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे हम उनका समर्थन करेंगे। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने रविवार को लश्करे तैयबा के मॉड्यूल का बंडा फोड़ कर 4 आतंकी मददगारों को हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के साथ सुरक्षा बलों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 2 पिस्टल मैगजीन, 20 कारतूस, 4 ग्रेनेड, इंसाइंस राइफल के 24 कारतूस के साथ अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। ये सभी लश्करे तैयबा के लिए काम कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए आतंकी मददगार की पहचान जहूर अहमद पंडित पुत्र अब्दुल गनी पंडित, बशीर हुसैन पंडित पुत्र फारूक अहमद पंडित, इम्तियाज गुल पुत्र गुल मोहम्मद भट्ट और गुलजार अहमद खार पुत्र गुलाम मोहम्मद खान, सभी निवासी बानपोरा के रूप में की गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई पुलिस थाना कुलगाम में दर्ज FIR के तहत की गई। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में लश्कर से जुड़े और लोगों की गिरफ्तारी और बरामदगी हो सकती है। केरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सेना ने संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति को पकड़ा। संदिग्ध पहाड़ी भाषा बोल रहा था। इंटेलिजेंस, सेना व पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ के बाद उसे विक्षिप्त करार देकर पुलिस के हवाले कर दिया। रविवार दोपहर करीब 3 बजे के आसपास केरी के नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्र में घूमते समय जवानों ने संदिग्ध को पकड़कर छानबीन शुरू कर दी। आनन फानन में सैन्य इंटेलिजेंस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की। राजौरी के किसी पहाड़ी गांव में रहने जैसा दिख रहा और हुलिये से पहाड़ी दिखने वाला और भाषा भी पहाड़ी लगने वाली इस व्यक्ति को सेना ने जब उसके बारे में पड़ताल करनी चाही तो वो अपना नाम तक नहीं बता पाया और इसे विक्षिप्त होने की पुष्टि के बाद राजौरी पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं राजौरी पुलिस के अनुसार संदेह के चलते हिरासत में से ले लिया गया है। व्यक्ति अपने बारे में ठीक से जानकारी नहीं दे पा रहा है और ना तो अपना नाम मालूम है उसे और ना ही उसके पास कोई पहचान पत्र है। इसके चलते उससे पूछताछ हुई, लेकिन उसे विक्षिप्त होने की पुष्टि के बाद उसे फिलहाल पुलिस कस्टडी में रखा गया है। जम्मू कश्मीर में सोमवार को मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। जम्मू, सांबा, उधमपुर समेत ज्यादातर इलाकों में बादल छाए हुए हैं। तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। इससे सुबह और रात के साथ साथ दिन में भी ठंड का एहसास
हो रहा है। श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी के इलाकों में बादल छाए हुए हैं। घाटी में रात के तापमान में और गिरावट के बीच कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहां अधिकांश जिलों में न्यूनतम पारा 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। लेह में लगातार दिन और रात का तापमान 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार सोमवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 27 से 29 फरवरी के बीच भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। पहली से 3 मार्च को अधिकांश स्थानों पर मध्यम से हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ मध्य और ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सोमवार को एक बार फिर बंद हो गया। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन के दलवास में सड़क मरम्मत के कारण दोनों ओर से यातायात रोक दिया गया है। उन्होंने लोगों को ट्रैफिक पुलिस के सहयोग करने और लेन अनुशासन का पालन करने की सलाह दी। साइबर क्राइम करने के लिए जालसाज अलग अलग पैंतरे लगाते रहते हैं। इससे बचाव के लिए साइबर सतर्कता बहुत ही जरूरी है। ऐसे में डिजिटल दुनिया की हर चीज को परख लेना बेहतर है। ऐसा एक मामला जम्मू से सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि जालसाज ने ADGP जम्मू आनंद जैन के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे ठगे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही जम्मू कश्मीर ने अपराधी की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही लोगों से अपील की है कि फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट की झांसे में ना आए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को कहा कि पुलिस ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर खुद को जम्मू का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बताने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि एक जालसाज विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर ADGP जम्मू जोन आनंद जैन के रूप में अपनी छवि और अन्य साख का उपयोग करके लोगों से पैसे ऐंठने में कामयाब रहा। अपराधी ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रोफाइल बनाई, उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को इन फर्जी प्रोफाइलों पर प्रतिक्रिया देने से बचने की सलाह दी। इसमें कहा गया है कि किसी भी वित्तीय नुकसान या अन्य मुद्दों को सूचना संबंधित जिलों के नज़दीकी पुलिस स्टेशनों या साइबर सेल को दी जानी चाहिए। इससे पहले 2 जनवरी को पुलिस ने ADGP का प्रतिरूपण करने वाला एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट को चिन्हित किया था और लोगों से इसके साथ बातचीत ना करने का आग्रह किया था। JK गवर्नमेंट द्वारा 4,222 कांस्टेबल की पोस्ट JKSSB को रेफर कर दिया गया है और इसे जल्द से जल्द फिल करने की बात भी कही गई है। और जो पहले के लोग लगे हुए हैं उन्हें भी रिजर्वेशन देने की बात की गई है। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा कि हम सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहा कि जो लोग BDG हैं, जिन्हें पहले BDC कहा जाता था, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। जिस तरह से इन लोगों को इनका हक दिया जा रहा है, इन लोगों को भी इनका हक दिया जाना चाहिए ताकि ये लोग भी राहत की सांस ले सकें। मिलनी भी चाहिए, और साथ में जो लेडीज होती हैं वो भी घर पे बैठी होती हैं बेचारी, उनको बहुत लोड होता है एक्स्ट्रा, अपना कामों के साथ एक्स्ट्रा लोड होता है, उनको 15% मिल रहा है कोटा, अच्छी बात है। लेकिन हम एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि BDG जो जिनको पहले BDC बोलते थे, उनको भी कुछ ना कुछ हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी वही हैं, इनको भी नंबर मिलते हैं, जैसे बैड नंबर होता है इनको भी बैड नंबर मिलता है प्रॉपर तरीके से। जम्मू एंड कश्मीर के, खासकर जम्मू डिवीजन के पूरे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में BDG मतलब होती है, तो हम चाहते हैं कि उनको भी इसी जो अभी कमी रिक्रूटमेंट आने वाली है इसमें मिलना चाहिए, उनको भी कोटा मिलना चाहिए। यही हमारी बहुत मतलब मांग है। ऑलरेडी जो बड़े लेवल पर चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिल चुके हैं, उनसे दोबारा अपॉइंटमेंट भी ले लिए, जितने भी जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उनसे हम मिले, खराना साहब से मिले, दुविंदर सिंह राणा साहब से मिले, तो हम अब अश्विनी शर्मा जी से मिलने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये कि हम सिर्फ एक ही डिमांड करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर बाकी लोगों को भी आप लोगों ने मतलब कोटा दिया है, तो हम लोगों को भी कोटा चाहिए। BDG में 4% कोटा हम डिमांड करते हैं, बाकी अब गवर्नमेंट के ऊपर है वो कितना क्या कहाँ एडजस्ट करते हैं, बट हम 4% कोटा मांगते हैं BDG के लिए, कमी रिक्रूटमेंट के लिए। ओल्ड बस स्टैंड से एक व्यक्ति का शव मिला है। जब दुकानदारों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति यहीं पर रहता था और मांगकर अपना गुजारा करता था। इस मौके पर पुलिस भी वहां पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। यहीं पे मांग करके गुजारा करता था, रात से हुआ ये, कोई जानकारी है? सुबह देखा तो कोई है, इसका नाम पता कहाँ का रहने वाला है, कितने सालों से यहाँ पे रह रहा था? घसीट के चलता, टांगे नहीं चलती इसके। और ये देखिए कि आपको बता दें कि पूरी जानकारी आपको बता दें कि ये आदमी जो था यहीं पर अपने
गुजारा करता था, लोगों से मांग करके और अपना जो है वो गुजारा यहाँ पर चलाता था। आठवीं ओबीसी ने आज तिरंगा यात्रा निकालकर अपना प्रदर्शन किया। उन्होंने तिरंगा यात्रा निकालकर ये कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 में अगर अमेंडमेंट कर दी गई है तो फिर पंचायती राज में एक्ट 1999 में फिर रिजर्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से क्लियर किया जाना चाहिए कि उनकी रिजर्वेशन आखिर है कितनी। इसी को लेकर उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली और अपनी बात रखी। एंटाइटलमेंट है उनको वर्टिकल दिया हुआ है, तो जब ओबीसी को वर्टिकल रिजर्वेशन 5% मिलना चाहिए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का जो मुंह होता है इस तरफ मुड़ जाता है। तो मैं मीडियम के माध्यम से ये सरकार को जताना चाहता हूँ, अगर 5% नहीं दिया हमारा तो आने वाले चुनाव जो 2024 में हो रहा है ओबीसी बोर्ड कैट करेगा, वोट नहीं देगा इनको। ओबीसी यूनिटी, ओबीसी यूनिटी। आपकी जो रैली कहाँ जाएगी और कहाँ पर ये जो आठवीं अधिकार तिरंगा यात्रा जी, ये आज हम मजबूर के इस सड़कों पर निकले हैं, ये यात्रा यहाँ से चलेगी। इस यात्रा का लक्ष्य यही होगा कि हमारे अधिकार दो, उसके बाद यहाँ से निकल के हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे सुकेतर, सुकेतर से डंसाल, डंसाल से मनवाल में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, हमारे बहुत बड़े रास्ते में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम जी। उसके बाद नाइट स्टे उधमपुर में होगा, बिल्कुल आज ही जा रहे हैं, हमारी 10 गाड़ियां हैं जो हमारे साथ चलेगी बिल्कुल। उसके बाद ये हमने उधमपुर में 27 तारीख को सुबह वहाँ से निकलेंगे और मुखर्जी जो गोल मार्केट है उधमपुर की, मुखर्जी बाजार से कोर्ट रोड से निकलते हुए मोड़ा मोड़ से और निकलते हुए टिकरी चले जाएंगे, टिकरी से कटरा, कटरा से जाएगी जो रियासी, नाइट स्टे होगा वहाँ पे रियासी को 28 तारीख को, यहाँ पे बाजारों में वहाँ पे घूमेगी और उसके बाद संडरबनी में जाएगी, वो पौनी देवक बहुत सारे गाँव गाँव में कार्यक्रम होगा टू सो डैट वी कैन एजुकेट द ईच एंड एवरी मास्टर ऑफ द ओबीसी। क्या लगता सर, क्या लगता जो आप रैली निकालने वाले खाली टोकरी आपकी भर जाएगी? सजाद गनी लोन उत्तरी कश्मीर की लोकसभा सीट बारामूला के लिए चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के महासचिव इमरान रजा अंसारी ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं के साथ विचार विमर्श करने और आगामी संसदीय चुनावों में सर्वोत्तम संभव रास्ता तय करने के लिए पार्टी द्वारा मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी के जवाब में मैंने पिछले 2 हफ्तों में व्यापक चर्चा की है, मैंने सभी निर्वाचन क्षेत्र प्रमुखों और ब्लॉक स्तर के नेताओं से मिला हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं के साथ चर्चा के आधार पर उन्होंने बारामूला संसदीय सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बारामूला संसदीय सीट के लिए पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मुझे औपचारिक रूप से घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सज्जाद लोन ने पार्टी की मांग मान ली है, ये बारामूला संसदीय सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व इसके लिए सज्जाद लोन को शुभकामनाएं देता है, साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि 7 दशक के दर्दनाक इंतजार के बाद घाटी के लोगों के उचित मुद्दों की वकालत होगी। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।